मैं आर्मी में ही जाना चाहता था। आर्मी एक ड्रीम था, आर्मी से ऊपर या आर्मी के नीचे कुछ नहीं सोच सकेगा। तो पिताजी से ये पूछना ही बड़ा मुश्किल था। सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी, सोशल वर्क, और सोशल वर्क करने की मेरे को बहुत ज़्यादा मन में रहती थी, करता भी था मैं। बट दिक्कतें जो आई हैं वो मेरे साथ अकेले के साथ नहीं आई है, सभी बीजेपी के पार्षदों के साथ आई है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल जो है पूर्ण होने को है। आज हम वार्ड नंबर 57 के पार्षद निशान जी के साथ हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूल टाइम से और ये जो जर्नी रही आपके पार्षद बनने तक की, ये कैसा सफर तय किया आपने? मतलब जैसे स्कूल में लोग बच्चे सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वहां से आप लोग कैसे मतलब पार्षद की तरफ आए, पॉलिटिक्स में कैसे? देखो सर, स्कूल टाइम में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल टाइम में तो एक ही मोटिव था। यहाँ जयपुर आने के बाद और उससे पहले भी मैं आर्मी में ही जाना चाहता था। आर्मी एक ड्रीम था, आर्मी से ऊपर या आर्मी के नीचे कुछ नहीं सोच सकेगा। ये भी नहीं कि सोचा था कि भाई पुलिस में जाना है, कहीं नहीं, सिर्फ आर्मी। और उसकी मैंने तैयारी करी। मैं तैयारी इस लेवल पे थी कि मैं एग्ज़ाम तो देना ही था, एनडीए भी मैंने दिया, सीडीएस भी दिया, साथ साथ मैं स्कूल में भी एनसीसी में था। देन उसके बाद में स्कूल में जब एनसीसी ज्वाइन करी तो मैं एक साल हमारे वहाँ विलेज में रहा। मैं सादुलपुर राजगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ एक साल मैंने किया। देन उसके वो ए सर्टिफिकेट होता है स्कूल में, तो वो सर्टिफिकेट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था ए वाला। तो उसके बाद में फिर हम कॉलेज में यहाँ आ गया, तो यहाँ पे मैंने बी और सी किया, जो कॉलेज के 3 साल के टेन्योर में होता है। बी 2 साल का होता है, सी 1 ईयर, फर्स्ट एक 1 ईयर का होता है। वो मैंने किया और वो मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत एक्सपीरियंस लिया, अच्छे सारे कैंप अटेंड करे। तो ये तो स्कूल कॉलेज की बात है। और उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी, सोशल वर्क, और सोशल वर्क करने की मेरे को बहुत ज़्यादा मन में रहती थी, करता भी था मैं। और ब्लड डोनेशन कैंप है, और तरह के कैंप हैं, प्लांटेशन का कैंप है, एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब किसी की हेल्प करनी है, ये मैं शुरू से करता हुआ। मैंने मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने एक मेरी बनाई थी सीड के नाम से, और उसके अंदर मैंने खूब कैंप किए। आज भी मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा इसमें डेट और डे कुछ तो फिक्स हैं, जिसमें मैं ब्लड डोनेशन करने खुद जाता हूँ और वहाँ ब्लड डोनेट करता हूँ। जैसे महावीर कैंसर में मैं लगभग रेगुलर डोनेट करता हूँ, नवंबर में तो करता ही करता हूँ। मेरी मदर की डेट आती है, उस दिन मैं उनको उस ब्लड डोनेट करने महावीर कैंसर जाता हूँ। तो ये क्या जो सोशल लाइफ मतलब एक्टिविटीज़ करने, क्या कॉलेज के बाद स्टार्ट हुआ है या स्कूल से ही, मतलब एक बचपन से था कि नहीं सोशल वर्क भी करना है और इसमें भी जाना है, देश के लिए कुछ करना है? नहीं, ये स्कूल टाइम से ही थी इच्छा। ऐसा नहीं था कि कॉलेज में डेवलप हुई। कॉलेज में तो कॉलेज में आने के बाद ये समझे, जब इन चीज़ों में आर्मी वाला नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर अलग अलग स्ट्रीम में जाने शुरुआत करी, तो जब जाके ये समझ में आया कि भाई आप सोशल कर सकते हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में हमने पॉलिटिक्स देखनी शुरू कर दी, वो कॉलेज में देखी थी, स्कूल में नहीं होती। नहीं तो कॉलेज में कैसे कि मतलब जैसे जो कॉलेज के चुनाव होते हैं अध्यक्षों के, वहीं से स्टार्ट हुआ आपके पॉलिटिक्स में आने का, या कैसे फिर उनके साथ लग के कैसे? कॉलेज के इलेक्शंस में बहुत इन्वॉल्व होता था, और बहुत का मतलब मैं इलेक्शन जब नज़दीक होते थे 100% इन्वॉल्व होता था। और फ्रेंड्स और काफ़ी मेरे टीचर्स थे जो मुझे कहते भी थे कि निशान तू भी फाइट कर ले, बट उस टाइम इलेक्शन फाइट करना बड़ा मतलब डेयरिंग था। और डेयरिंग इसलिए था कि घर पे पूछना था, तो पिताजी से ये पूछना ही बड़ा मुश्किल था। मतलब ये मानते थे कि ना मतलब मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है कि उनसे ये पूछो ले इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने की किसी भी तरह की परमिशन मिलना संभव नहीं था, इसलिए डर के कारण कभी पूछा ही नहीं उनको इलेक्शन। कहा बहुत जनों ने पर कभी नहीं। जैसे आप मतलब कह रहे हैं कि बचपन से ही मेरे एक आर्मी में जाने का, तो क्या फैमिली में कोई पहले भी कोई आर्मी में था, या फिर बाद में ऐसे ही आर्मी के लिए एक प्रेम या देश प्रेम के हिसाब से कैसे? देखो पूरी पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरा हमारा कुनबा जो है देश से जुड़े हुए रहे। मेरे पिताजी, मेरे सब अंकल वगैरह और दादाजी, दादाजी आरएसएस से थे, आरएसएस के जो है जिला के जो है संचालक थे और चूरू ज़िले के। और वैसे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो एजुकेशन से उन्होंने, वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे स्कूल, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, और उनका खुद बहुत बड़ा सोशल रहा। और ये जब अभी कई जो बातें आई थी संघ संघ से रिलेटेड, तो वो उनमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे। संघ में और आरएसएस की शाखा अटेंड करने दादाजी के साथ खूब इंजॉय किया,
इतना एंजॉय किया कि वो आज भी याद आता है तो ऐसा लगता है कि अभी इतना एंजॉय और इतने गेम्स हमने नहीं खेले कभी भी जो संघ में खेले। तो वो देशभक्ति की चीज़ें वो तब से जुड़ी हुई हैं सारी। जैसे आप पार्षद का जब इलेक्शन का टिकट टाइम आया लेने का, तो उस टाइम क्या ऑलरेडी आप बीजेपी से जुड़े हुए थे या फिर बाद में जो बैकग्राउंड था आपका आरएसएस का, उस बैकग्राउंड से टिकट मिला आपको? नहीं नहीं मैं यहाँ पे भी करीबन 15 साल से बीजेपी से जुड़ा हूँ और कंटिन्यू था। जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने अप्लाई किया था उससे पहले मैं 6 साल अपने बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ और भी बाकी कई तरह की जिम्मेदारियाँ थी, पर मुख्य जिम्मेदारी जो जो मिली वो निभाई, पार्टी के जुड़े रहे और बूथ अध्यक्ष के नाते भी हम पूरा काम किया जो करना था। पार्षद बनने के बाद अपने जैसे एक पार्षद का टिकट मिला कि मैं पार्षद बन जाऊंगा, अगर जीत गया तो मैं वार्ड के लिए ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं, तो क्या क्या आपकी समस्याएं आई जो 3 साल हुए करीब आप लोगों को पार्षद बने हुए, तो आपने क्या सोचा कि वार्ड के लिए मैं कैसे कैसे क्या क्या काम करूंगा? सर देखो, जैसे सोचा था उस हिसाब से हम निरंतर लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं, पर दिक्कतें जो आई हैं वो मेरे साथ अकेले के साथ नहीं आई हैं, सभी बीजेपी के पार्षदों के साथ आई है, क्योंकि सरकार गैर सरकार में हमने काम किया और सरकार ने जितना हमें परेशान कर सकती थी वो चरम पर जाके किया और सबको किया। बहुत सी असुविधाएं हुई इसमें कि हमें सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, हमें संसाधन नहीं मिले और इसके लिए हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं सब चीज़ के लिए। ठीक है, अब सरकार का कार्यकाल जो है पूर्ण होने को है, सब अब समाप्ति की ओर है, तो हम भी इस कार्यकाल में पर हमने ये कहेंगे कि प्रत्येक पार्षद ने सीखा है कि काम अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, उसको काम कराने के तरीके को ढूंढना और काम करवाना, अपना जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए जूझना, मैंने भी किया और सब पार्षदों ने किया, हमारे साथ ही सभी पार्षदों ने ये सीखा। ऐसा क्या काम आपने पार्षद बनने के लिए कोई स्पेशल काम किया अपने वार्ड के लिए कि नहीं ये तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब मैं पहले से सोच रखा था कि अगर कभी पार्षद बनने का मौका मिला तो वार्ड के लिए ये तो मैं करूँगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल सोचा, मैंने ये देखा था कि जब पार्षद बनने से पहले हम कोविड के ड्यूरेशन में हमारे इलेक्शन हुए थे और उसी ड्यूरेशन में हमने सोशल वर्क खूब किया, जैसा हमें दवाई छिड़कने का काम था हम खुद भी करते थे और बैग लेके भी करते थे, जो ट्रैक्टर पे होती थी दवाई छिड़कने का वो किया, उसके साथ भोजन का काम किया, भोजन पैकेट बनते थे हम बनाते थे, उसमें जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी, अच्छी अच्छी फैमिलीज भी थी जिनको देखकर सुनकर आज बहुत ऐसा लगता है कि क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत से बिजनेस ऐसे थे जो पूर्ण रूप से लोगों के बंद हो गए थे, उनके पास में जब खाने का चीज़ नहीं थी खाने पीने की, क्योंकि पैसा जिससे आ रहा था निरंतर उस पैसे को बिल्कुल वो रुक गया तो काम नहीं चला, तो ऐसे अच्छे अच्छे घराने के लोग भी थे जिन्होंने भी हमसे भोजन लिए और अपनी पूरी बात बताई। वो एक समय रहते फिर आप इस बात में चर्चा करेंगे कि उसमें कैसी कैसी उनके, तो हमने ये सोशल वर्क किया, लोगों के पास में दवाइयाँ पहुँची, बहुत से लोग थे लोगों ने घर में अपने, मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे वार्ड के लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन घर में बनाते और खुद बांटते और हमको कहते कि आप पहुँचाओ, गिलोय तक लोग तैयार तैयार करके रखते मंडल की आप ये दो उनको, किसी को चाहिए तो मेरे पास इतनी रखी है। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे वार्ड के वासियों को जो उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखते हुए और ये अच्छा काम किया और अपने घर के, मोदी जी का ये नारा था कि आप खुद आपके आसपास वाले का ध्यान रख लो तो बाकी सब का हो जाएगा, ये नारा इतना छोटा था और इतना बड़ा साबित हुआ कि प्रत्येक नागरिक ने किया, ऐसे किया कि जिस किसी के घर में बाई आ रही है, सर्वेंट आ रहा है, उन्होंने उन सर्वेंट के खाने पीने का ध्यान रखा, नियमित रूप से उनको आटा दाल चीनी सब्जी नियमित पहुंचाई और उसको किया, बहुत सरलता से सहजता से सबने अपने अपनों का ध्यान रख लिया और काम पूरा हो गया। कितनी छोटी, जैसे वार्ड में मोस्टली जैसे सफाई की समस्या आती है, सीवर लाइन की समस्या आती है, तो उसको आप कैसे हैंडल कर पाते हैं कि मतलब गाड़ियां टाइम पे आती हैं जिस हिसाब से, मतलब निगम में गाड़ियों की भी शॉर्टेज है और कचरे की, जैसे जनता से जब हमारी बात होती है तो जनता ये कहती है कि कचरे की गाड़ी दो दो तीन तीन दिन से नहीं आ रही है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहूँगा कि कचरे की गाड़ी की समस्या पहले बहुत चली, गाड़ियों की समस्या ये थी कि गाड़ी हमारे पास दो थी और दो नहीं बोलनी चाहिए, वो गाड़ी डेढ़ थी, क्योंकि एक गाड़ी बिल्कुल ख़राब होने की स्थिति में थी, 7 दिन में 4 दिन वो गाड़ी ख़राब रहती थी। एक गाड़ियों से पूरे वार्ड को कंप्लीट कराना या डेढ़ गाड़ी से पूरी वार्ड उसको कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल था, चैलेंज था एक। उसके लिए हमने योजना ये बनाई थी कि उस एक दिन छोड़कर एक दिन वार्ड में गाड़ी जाएगी,
हमने उनमें उसमें ऐसा किया किसी भी सेक्टर में एक दिन गाड़ी जाती दूसरे दिन गाड़ी नहीं जाती, तो सेक्टर वालों को सबको समझाया कि इस तरह की बातचीत है होगी तो आप लोगों को फेस करना है और आप तैयार रखो कचरा अपना बाहर रखो, मतलब तैयार करके रखो, गाड़ी आए जब डाल देना। उसके बाद में आती है सीवरेज की समस्या। सीवरेज की समस्या अब निरंतर कचरे की गाड़ी जो है निरंतर आ रही है नई कंपनी आने के बाद में, अब हमें गाड़ी भी जो है 2 से 3 गाड़ी मिल रही है जो हमें वार्ड में रोज गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कचरे की समस्या से हम अभी तक हमारे जो परसेंटेज है अगर 100 पहले समस्या आ रही थी तो आज वो समस्या 10 है, तो हम ये समझ रहे हैं कि हम उस पर अब ईजीली काम कर पा रहे हैं। अब आती है सीवरेज की समस्या। अभी सीवरेज की जो समस्या है वो चरम पर है क्योंकि बरसात का समय है और बरसात के समय में ये समस्या सबसे ज़्यादा हाइप पे होती है, यही बढ़ती है समस्या। मैं ये आपको बताऊँगा कि ये समस्या अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, संसाधन नहीं है। अभी रिसेंटली जो ड्राइवर थे जो प्राइवेट थे जो लगे हुए थे उसकी उसमें अब उस हड़ताल पे चले गए थे, हड़ताल पे जाने के बाद अब सरकारी ड्राइवर गाड़ियों पे है जो कि कॉलोनी की पूरी समझ नहीं रखते हैं, कॉलोनी को पूरा नहीं जानते हैं, सेक्टरों को उनके घरों में एड्रेस को नहीं जानते, तो उस कारण से भी एक प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी बनी हुई है और हर वार्ड में भी है, मेरे वार्ड के सभी सेक्टरों में समस्या बनती आ रही है निरंतर। तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि बरसात के दिनों में थोड़ी समस्या ज़्यादा आएगी, बरसात के बाद में थोड़ी संतुलित हो जाएगी, पर मैं निगम से भी कहूँगा कि संसाधन को बढ़ाया जाए क्योंकि संसाधन बहुत ही सीमित है, प्लीज़ उसको बढ़ाएं। पार्षद तो देख मतलब जैसे हम लोग जनता से भी बात करते हैं, पार्षदों से भी बात होती है, तो पार्षद तो कहता है मैं तो काम करने को तैयार हूँ 24 घंटे चाहे काम करना पड़े जनता के लिए, लेकिन संसाधनों की कमी आ रही है निगम से, मतलब जो स्टाफ की कमी आ रही है, तो इसको आप लोग कैसे मतलब पूरा हैंडल कर पाते हैं, कैसे आप लोग आगे महापौर तक अपनी बात पहुंचाते हैं, क्या महापौर आपकी प्रॉपर बात मानती हैं कि मतलब हाँ इस वार्ड में ये प्रॉपर मतलब सफाई कर्मचारी कम है तो इसको बढ़ा दिया जाए एरिया वाइज? देखो साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारी की समस्या हमारे पास D1 से है, जिस दिन हमने ये पद ग्रहण किया, पद संभाला, जो हमारा पद है वो जन सेवक का पद है, हम जनता के सेवक हैं और सेवादार हैं, उसका जो हमने पद संभाला तब उस दिन से सफाई कर्मचारी जो हमारे पास में है वो 12-13 के आसपास कर्मचारी आते हैं, उसमें से भी कुछ छुट्टी पे रहते हैं, एक दो छुट्टी पे नियमित रूप से, कभी कोई छुट्टी पे कभी कोई, तो ओवरऑल जो है 10 कर्मचारी रहते हैं। 10 कर्मचारियों से वार्ड में काम कराना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव सा हो जाता है काम कराना, और कॉलोनियों में फिर भी मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक कॉलोनी के अंदर, मतलब मेरे जो वार्ड है वो सेक्टर में डेवलप्ड है, तो सेक्टरों में एक सेक्टर में मैं जब भी कोई टीम भेजता हूँ तो वो सेक्टर में 7 दिन मानता हूँ, 5 से 7 दिन भी लगते हैं कि पूरा क्लीन करके आएंगे हर गली को, तो उसके हिसाब से मैंने सभी सेक्टरों में कर रखा है, तो मेरे वार्ड में प्रत्येक सेक्टर का नंबर करीब करीब 2 महीने में आता है, वापस रिपीट होता है ऑलमोस्ट अपन इसमें कायम है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2.5 महीने 3 महीने भी हो जाते हैं उसी सेक्टर को रिपीट होने में, तो इस तरह सेक्टरों की सफाई चल रही है, बट कर्मचारियों की वास्तव में कमी है। मैं पूरी तरह से मेरे वार्ड के लोग जो है इस सफाई में संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनको भी पता है, वो भी जानते हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं है, तो हमने उनको कई बार लिखित में भी दे दिया, बोल भी दिया निगम में, अधिकारियों को भी बोल दिया और सबको बोला कि सफाई कर्मचारी यही, अगर आप सफाई हमारे 150 वार्ड आते हैं ग्रेटर नगर निगम में और हेरिटेज पे 100 है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसके बावजूद आपको पता होगा कि वहाँ पे प्रत्येक वार्ड में 60 कर्मचारी हैं, 50 से 60 कर्मचारी, 65 कर्मचारी, इसका रिकॉर्ड पेपर में भी आ चुका अपने पास में, यहाँ पे हर एक प्रत्येक वार्ड में 10-12-15 कर्मचारी 17 कर्मचारी होंगे, इससे ज़्यादा किसी भी वार्ड में नहीं, जबकि यहाँ 150 है, वहाँ पे आपके देखो 4000 से ऊपर कर्मचारी हैं, यहाँ पे हमारे 3200 कर्मचारी हैं, तो कितना ये जो भेदभाव किया जा रहा है सरकार के साथ ये पूरी जनता जानती है, देख रही है, बहुत ही जल्दी इसका निर्णय ले लिया जाएगा, सरकार को समझ में आ जाएगी। जैसे जनता संतुष्ट नहीं है, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, पार्षद 3.5 साल आप लोगों के 3 साल करीब निकल चुके, 6 महीने आप लोग बता रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, 3.5 साल करीब हो जाएंगे, तो फिर 3.5 साल बाद अगर बीजेपी सरकार आती भी है तो आते ही तो ये काम हो नहीं सकता कि मतलब तुरंत इतने स्टाफ आ गए, कहीं ना कहीं उनको भी समय लगेगा, तो कैसे आप लोग के 5 साल तो मोस्टली यूं ही निकल जाएंगे, फिर जब चुनाव आएंगे तो अगर जनता से पूछते हैं लोग कहते हैं कि हमारे पार्षद ने कुछ कराया नहीं, तो आपको उम्मीद है कि वापस से आपको टिकट मिलेगी फिर वापस से? बहुत अच्छा सवाल है आपका।
मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि हमारे पास जो कर्मचारी हैं उसमें हम नियमित रूप से इस रूटीन रू उनका जो रूट सेट किया है वो उसमें हमसे उनसे काम करवा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास 10 कर्मचारी, जिसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 दिन एक कर्म उसमें लगते हैं, सफाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है वार्ड के वासी, पर सफाई फिर भी हमारी तरफ से कंटिन्यू है और हम जनता के बीच में जाके पूछते भी हैं। पर्टिकुलर अगर हमारी कोई गली की फिर भी कंप्लेंट आती है तो हम उसको प्रायोरिटी पे लेके 2 या 3 कर्मचारी अलग से वहाँ भेजते हैं और सफाई करवाते हैं। आप वार्ड में मेरी जनता से कभी भी रूबरू हो सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जब भी आपसे रूबरू होंगे तो ये बताएंगे, सफाई की समस्या ज़रूर बताएंगे। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, और ये सरकार उनको ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जनता भी पेपर में पढ़ती है। आप लोगों के माध्यम से जनता आज इस मुकाम पे आ गई कि उनको प्रत्येक चीज़ की जानकारी मिलती है। मीडिया को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मीडिया सब एक एक खबर देती है, ये मीडिया के माध्यम से है। ये मानो हमें भी पता पड़ा होगा और जनता को भी पता पड़ा है कि वहाँ 4 से 4 से 4.5 कर्मचारी हैं और हमारे पास 3200 कर्मचारी है, ये मीडिया के माध्यम से मिला। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मीडिया भी सच का और सही का साथ दे रही है, ऐसा नहीं है कि मीडिया कोई गलत बोल रही है। तो मैं मीडिया का ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमें सब पता पड़ रहा है, जनता को पता पड़ रहा है, जनता जानती है कि क्या हो रहा है और क्या आपके मिल रहा है। यही आपने देखा होगा कि बजट में भी हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वही सारी चीज़।